नमस्कार, न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 27,426 कोरोना के मामले सामने आए हैं और हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में कोरोना के 6,598 नए मामले मिले हैं। प्रयागराज में 1,758, वाराणसी में 2,344 मामले सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 6,500 से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ लखनऊ राजधानी से सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,758, इसके अलावा वाराणसी में 2,344, कानपुर में 1,403 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से उत्तर प्रदेश में 103 मौतें हुई हैं। एसीएस सूचना नवनीत सहगल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी पॉजिटिव पाए गए हैं। खनन सचिव रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनाई गई हैं। तो फिलहाल के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बेकाबू नजर आ रही हैं कोरोना के मद्देनजर, और लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 27,426 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 6,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। राजधानी में स्थिति बेकाबू होती हुई चली जा रही है। इसके अलावा प्रयागराज की अगर बात करें, वाराणसी की बात करें, तो वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 1,403 मामले पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं। 103 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। ये अपने आप में एक और परिस्थिति, और देश में कोरोना से अब तक 1,75,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। 6,558 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना यूपी में जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चौबीस घंटे में कोरोना से यूपी में 103 मौतें हुई हैं, जो कि अपने आप में एक भयावह परिस्थिति का परिदृश्य है। और कोरोना यूपी में जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में आईएएस अफसर रोशन जैकब को लखनऊ का प्रभारी डीएम बनाया गया है। वहीं पर सचिव भूतत्व खनिकर्म व निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं वो दे रही हैं। इसके अलावा वह स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के महानिरीक्षक की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बता दें कि शुक्रवार को यूपी में 27,426 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में रिकॉर्ड 6,598 नए मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश में शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग, स्वच्छता व सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन किया जाएगा, फॉगिंग कराई जाएगी। यही नहीं, अगले आदेश तक पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी का ऐलान है। जिस जगह पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है वहां पर कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। अब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, हमारे सहयोगी। जो है परिस्थितियां लखनऊ की अगर देखें कोरोना के मद्देनजर, तो लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं। पूरे प्रदेश में स्थितियां बिगड़ रही हैं। तैयारियां क्या की जा रही हैं, क्योंकि इधर जो जिम्मेदार अफसर हैं वो खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लखनऊ में लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी, क्योंकि उनका फील्ड वर्क रहता है। लखनऊ डीएम भी पॉजिटिव हो गए कोरोना से, क्योंकि उन्हें लगातार निरीक्षण के लिए जाना पड़ रहा था, चाहे वो कोविड सेंटर हो या फिर स्मार्ट सिटी ऑफिस हो, सभी जगहों से जो भी काम हो रहा था वो उनको देखना था। तो ऐसे में चलते हुए वो पॉजिटिव हुए, जिसके बाद में उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। यूपी के जो डीजीपी है हितेश चंद्र अवस्थी, वो भी अभी सेल्फ क्वारंटाइन है। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सीएम पॉजिटिव हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन किया है, क्योंकि वो रोज टीम 11 की बैठक में लोक भवन जाते थे। अब जो रोशन जैकब हैं उनको लखनऊ डीएम का प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल वो लखनऊ डीएम का जो कार्यभार है उसको वो संभालेंगे, और लगातार
जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में अब स्थितियां सुधरना कुछ शुरू हुई है क्योंकि सरकार ने इसकी सुध ली है। लगातार सैनिटाइजेशन कर रहा है, अभी तक की इतनी स्थिति बिगड़ चुकी थी लेकिन अभी तक की नगर निगम की तरफ से कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए थे। अब जाकर जो नगर आयुक्त हैं उनकी नींद टूटी है और वो सड़क पर निकलकर सामने आए हैं। वही जिला प्रशासन भी काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग को भी कई सारे निर्देश दिए गए हैं। अब जो प्राइवेट अस्पताल है, कई सारे लखनऊ के बड़े प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा गया है सरकार से। जो है क्या ये कहा जा सकता है कि देर से जागे हैं तो दुरुस्त भी जागे हैं? क्या दुरुस्त हैं व्यवस्थाएं, अभी भी क्या दुरुस्त हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए देर से जागे हैं ये बात कही जाएगी लेकिन दुरुस्त कितना है ये अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ये दुरुस्त जागने वाली जो स्थिति है इसमें लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा। एक हफ्ते बाद पता चलेगा कि सरकार और उनके अधिकारी कितना दुरुस्त थे, कितना सही से काम कर रहे थे क्योंकि अभी जो कंडीशन है उससे ये पता चलता है कि पिछले दिनों में किस तरह से सरकार के लोगों ने और जो अधिकारी जो जिम्मेदार थे उन्होंने काम किया। अगर समय पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो आज जो आंकड़े ये इतना ऊपर पहुंचे हैं ये इतना ऊपर ना पहुंचते, जो लोग मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं रोज, उनकी मौतें ना हुई होती, लोगों को अपनों को ना खोना पड़ा होता। जी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इतवार का दिन है, संडे का दिन है, उस दिन पूरी तरीके से तालाबंदी रहेगी, ऐसे में सैनिटाइजेशन किया जाएगा, रात्रि कर्फ्यू भी तो लगाया गया है, रात में क्या सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था की जा रही है? क्या रात में जगह जगह पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जाकर छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है? क्योंकि रात में तो कोई नहीं निकल रहा है ना, तो उस वक्त भी उनको सैनिटाइजेशन करना चाहिए, सिर्फ संडे संडे करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए रात का लॉकडाउन लगाया गया, रात में सैनिटाइजेशन का आदेश भी हुआ, लोग निकलते हैं, नगर निगम कर्मचारी निकलते हैं लेकिन वो खाना पूरी पूर्ति करके गायब हो जाते हैं। जो सैनिटाइजेशन होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स पर हो रहा है, हमें सैनिटाइजेशन नहीं दिखाई दिया। जहां पर भी सैनिटाइजेशन हो रहा था वो मेन रोड है, मेन मार्केट के इलाके है, उसके अलावा गली कूचों में, घनी बस्तियों में जहां संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है वहां पर कोई भी अभी तक सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं था। अब आज से नगर निगम ने यह काम शुरू किया है, संडे को लॉकडाउन है पूरी तरह से, आज रात से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो उसको देखते हुए जो लोग तो परिस्थितियां हैं लगातार बिगड़ती चली जा रही है। जो है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और ऐसे में लखनऊ में जो परिस्थितियां हैं जो है हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी हैं, खाना पूर्ति की जा रही है, अभी भी खाना पूर्ति